चलिए तो देखते हैं हम इस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि ये हमारी फिनिश नहीं हो पाई थी और माहौल की वजह से कई बार चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाती हैं, तो आसपास जैसे फंक्शन वगैरह होते तो ज़्यादा ही शोर रहता है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं। सेकंड, खनिज ईंधन और औषधि स्तर में पाए जाते हैं, तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम धात्विक खनिजों की, तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें धातु या धुति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक सिंचित भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में है, ठीक है, या क्षेत्र में है। सेकंड कह रहे हैं कि भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक संचित भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट एवं थर्ड, सी उपरोक्त सभी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है बात करें यहाँ पर तो भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र यानी कि बॉम्बे हाई क्षेत्र 40% है, अतः कथन एक आपका असत्य है क्योंकि इन्होंने पूछा है पूर्वी अपतटीय भाग। ठीक है नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक संचित भंडार की बात करें तो यह आपका पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में 36.8% समथिंग 37% है, तो कथन सेकंड भी असत्य यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन को मिसमैच कर दिया गया। ठीक है गैस की बात करेंगे जब प्राकृतिक गैस तो वो आपका पूर्वी अपतटीय में हो जाएगा और पेट्रोलियम की बात की जाएगी तो वो आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में हो जाएगा। और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में किस जगह पर, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र भी तो काफ़ी बड़ा है, तो वो आपका हो जाएगा बॉम्बे हाई में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। सेकंड, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता, तो फिर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। कह रहे हैं कि भारत का जो अधिकांश कोयला है वो बिटुमिनस श्रेणी का है यानी कि यह या एक मध्यम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा आपके 47 to 72% तक होती है, तो कथन फर्स्ट यहाँ पर आपका सही है। एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले की बात करें तो यह आपका सर्वोत्तम प्रकार का किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 to 95% तक होती है और इस प्रकार का जो कोयला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है, तो कथन सेकंड आपका असत्य हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है। इन्होंने ये कह दिया कि एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता, तो मिलता है लेकिन वो आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत चीन के बाद विश्व में अनभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। सेकंड, भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार में सोने की निक्षेप है। थर्ड, एल्यूमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें यहाँ पर हम देखिए भारत विश्व में अनभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने का निक्षेप है, ये भी सही है। यह खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है। एल्यूमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम आंसर की बात करें कि कौन सा सही है, मतलब कितने कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका केवल थर्ड यहाँ पर सही है। ठीक है सेकेंड आपका गलत हो गया क्योंकि कर्नाटक के कोलार है और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार, तो ये भी आपका कथन गलत हो जाता है इस तरीके से। तो केवल ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फर्स्ट भी गलत है, सेकेंड भी गलत है, थर्ड केवल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ऑप्शन ए कोयला और पेट्रोलियम, बी जल विद्युत, सी सौर ऊर्जा, एंड डी परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो वैसे सिंपल ही है, पौधों और जानवरों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में आपको बताया ही जाता है और स्टैंडर्ड बुक में आई वो बताया ही जाता होगा। तो पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, दाब और ताप के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो आपके कोयला और पेट्रोलियम ये आपके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण या एग्जाम्पल हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। सेकेंड, विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। थर्ड कह रहे हैं कि सीएनजी गैस एक पर्यावरण हितैषी गैस है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की तो देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापी ऊर्जा शामिल है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग सीएनजी कहते हैं एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा न्यूजीलैंड में है। सेकंड, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। तो करें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम तो विश्व का प्रथम सौर और पवन चालीस बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, ना कि न्यूजीलैंड में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन तो आपका फिलहाल सही है लेकिन पहला आपका गलत है क्योंकि ये न्यूजीलैंड में नहीं स्कॉटलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कल्पकम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और नरोरा संबंधित है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, बी पवन ऊर्जा से, सी परमाणु ऊर्जा से या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बात करें अगर हम यहाँ पर तो देखिए यह भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र है। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे? तो तमिलनाडु में कल्पक्कम है आपका, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर है और नरोरा तो सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा। तो ये चार जगह हैं, चार से पांच जो भी हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन सी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीसीएस फैक्ट में फैक्ट भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। तमिलनाडु में कल्पक्कम, सेकेंड महाराष्ट्र में तारापुर, थर्ड राजस्थान में कोटा के निकट राणा सागर और फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश में नरोरा, फाइव आपका कर्नाटक में कैगा। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है भारत के दो तिहाई यूरेनियम का खनन केरल से होता है। सेकेंड, यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें हम तो भारत का अधिकांश यूरेनियम लगभग 80% आपका झारखंड के सिंहभूमि जिले से प्राप्त होता है। यहाँ स्थित जादूगोंडा खनन केंद्र इसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। केरल में इसका खनन लगभग ना के बराबर है। केरल में थोरियम तटीय बालू में पाया जाता है, अतः कथन एक आपका यहाँ पर असत्य हो जाता है, गलत हो जाता है। यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है जबकि थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः मोनाजाइट तथा इल्मेनाइट से होती है। तो कथन सेकंड तो आपका फिलहाल सही है लेकिन फर्स्ट आपका गलत है। तो ऑप्शन इस तरीके से भी आपका सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जोखिम भरे उद्योग, बी उभरते हुए उद्योग, सी डूबते हुए उद्योग या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अपनी प्रारंभिक अवस्था में देखिए अगर बात करें तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन एक तीव्र गति से बढ़ रहा है कि एक क्षेत्र या व्यापार के लिए एक बोलचाल अवधि एक सूर्य उद्योग में आमतौर पर उच्च विकास दर कई स्टार्टअप और उद्यम पूंजी वित्त पोषण के एक बहुतायत की विशेषता है। सूर्योदय उद्योगों जो है आमतौर पर चर्चा के बहुत क्षेत्र बढ़ जाती है और निवेशकों के बारे में जन जागरूकता के रूप में उन्हें आसपास अपने दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं की ओर आकर्षित करती है। तो आंसर की अगर हम बात करें आंसर आपका हो जाएगा उभरते हुए उद्योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई है। सेकंड, प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत है। देखिए यह तो पहला गलत है, यह तो दूसरा गलत है। ठीक है,
और मे बी कि यह तो पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही हो सकता है ना, दोनों ही फैक्ट अपनी जगह पर अलग अलग है। ये आपकी है कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई, दूसरा कि प्रथम वस्त्र उद्योग जो 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया। तो हमें बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास आपका 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया, मैंने पहले ही बताया था है ना, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा मिसमैच किया। लेकिन यहाँ पे जो गलत है वो बताना है ना, अब गलत कौन सा वो देखना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ग्लास्टर में किया गया जो कि असफल रहा था। इसका पहला सफल प्रयास 1854 ईस्वी कांवस जी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में किया गया। दोनों ऐसे फैक्ट हैं कि अगर याद नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है। फिलहाल डी है, यानी कि ना तो पहला गलत ना तो दूसरा, दोनों सही है, बस फैक्ट ध्यान रखना है। क्योंकि पहला प्रयास 1818 में आपका कोलकाता में ही किया गया था, ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरी बात कह रहे ये सब असफल रहा, सफल नहीं रहा लेकिन पहला स्थापित हुआ तो नाम तो इसी का रहेगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि दूसरा प्रयास जो है वो 1854 को, तो हालांकि यहाँ पे डेट नहीं दी गई दूसरे की, 1854 ईस्वी की कांवस जी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में, तो ये भी अपने आप में सही है ना। चले आगे बढ़ते हैं, हालांकि भाषा के स्तर पर देखें तो कुछ चीज़ इसमें गलत मिल रही है लेकिन वैसे सही है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है। सेकंड, 1859 यानी 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में स्थापित हुई। थर्ड, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन घाटी है। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात की जाए अगर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है जो कि गुजरात में स्थित है, और 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नभी क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भूपृष्ठ पर फैले लोगों की संख्या से, बी असंख्य जनसंख्या से, सी जनसांख्यिकी आवाज से, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बात करें तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग, ठीक है, भूपृष्ठ के लगभग अधिक भाग पर 90% से अधिक भाग पर निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। कुछ चीज़ें और आपके दी गई हैं, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भूपृष्ठ पर फैले लोगों की संख्या से है, ठीक है। कुछ चीज़ें दी हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, ठीक है। सेकंड है कि जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती के जीवित रहने की, मतलब व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। थर्ड है कि उत्प्रवास का अर्थ व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही ऑप्शन है। केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें तो जन्म दर प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, ठीक है, में मापी जाती है। मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापी जाती है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, और उत्प्रवास का अर्थ है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक देश को छोड़ना। आंसर की अगर हम बात करें तो करें इनमें से कौन सा गलत है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है क्योंकि इन्होंने 10,000 का दे दिया जबकि 1,000 पे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। बी क्षेत्र का जनघनत्व तो इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। सी बड़े नगर क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बात करें अगर हम यहाँ पर, तो एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी? ऑप्शन ए चक्रवाती आफताब, बी मानसून की वापसी, सी दक्षिण पश्चिम मानसून, या डी पश्चिमी विक्षोभ। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती है और यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है। इन विक्षोभ का भारत के मौसम पर काफी प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है तथा शीतकालीन रात्रि के तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। सेकंड, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो कह रहे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं वो आपके भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने के पूर्व संकेत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आपका सही है, ए आपका नहीं है, क्योंकि इन्होंने कैस्पियन सागर बोला जबकि वो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अंधा उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये विश्वतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सेकेंड, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अब ये पूर्णतया पूरा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कठिन नहीं है, है सरल, बट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। देखिए अंतः उष्ण कटिबंधी की बात करें तो ये अंतः उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम ITCZ बोलते हैं, विश्वतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुववृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है या करते हैं? ऑप्शन ए एल नीनो, बी सेकंड पश्चिमी जेट धाराएं, थर्ड तिब्बत का पठार। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकंड एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बात करें तो प्रश्न में दिए गए सभी कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, सबको पता है, जो हर 3 या 4 साल बाद प्रकट होता है। तो एल नीनो का भी कॉन्सेप्ट पता है, फिलहाल ये तीनों ही चीजें प्रभावित करती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे कि वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट शुष्क रहने का कारण या के कारण है? ऑप्शन ए तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। ऑप्शन सेकेंड, या दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर की वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर के, तो तमिलनाडु का तट सच में आपको पता ही है, मतलब सच में क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, कि वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी है। पहली बात तो तमिलनाडु तट आपका बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरी बात, तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है। सेकेंड, कह रहे हैं कि इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती है। थर्ड है आपका कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? यह है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि सेकेंड और थर्ड।
ठीक है, क्यों सही है? तापांतर का अर्थ है तापमान में अंतर, शीत ऋतु में तटीय भागों में समुद्र के समकारों या समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण शीत ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण में बहुत ही कम बदलाव आता है। प्रायद्वीपीय भागों में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है, तो वही इन्होंने कहा कि बहुत अधिक होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। सेकेंड, मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। थर्ड, भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता उजागर होती है। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें तो मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे संपूर्ण वर्ष खेती की जा सकती है। और भी कई सारी चीजें हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वो आप पढ़ लेना। फिलहाल ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होता है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन। देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए, ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। सेकेंड, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। थर्ड, ये वन विरल होते हैं। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट, सॉरी डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या सही होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ओके, इन्होंने कह दिया कि ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जब नाम ही उसका है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय, तो ये आपके शुष्क और आर्द्र दोनों ही प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन्होंने कह दिया कि ये वन शुष्क और शीत और शुष्क मतलब शीत नहीं होता है, शुष्क और आर्द्र दोनों में पाए जाते हैं, जहाँ पे वार्षिक वर्षा आपके औसत वार्षिक तापमान भी 22 सेंटीमीटर तक रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि में झाड़ियाँ और बेलें होती हैं, चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने झड़ने फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी तथा एबनी आदि है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल सेकंड। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये वन विरल होते हैं, तो वहां आपको बता ही दिया अच्छे से, तो ऐसा नहीं है, मतलब कि अच्छे भी होते, खाली विरल नहीं होते। विरल का मतलब होता है बिल्कुल दूर दूर में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। सेकेंड, हिमालयी पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो खैर, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही ऑप्शन है। केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें अगर आंसर की, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में, ठीक है, वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता। इन वनों को दो भागों में बांट सकते हैं। देखो, उत्तरी पर्वतीय वन अलग हो गए और दक्षिण पर्वतीय वन अलग हो गए। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, सेकेंड पूर्वी घाट में, थर्ड नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, एंड फोर्थ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर, या डी केवल थर्ड और फोर। अगर हम बात करें आंसर की तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर आपका। क्यों? मैंग्रोव आपके, सॉरी, जो इन्होंने पूछा प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन की अगर बात करें तो दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के तीनों भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। चूंकि समुद्र से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर की है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधी और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, पूर्वी घाट में नहीं होगा, बाकी सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहे कि मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। सेकंड, मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी रिलेटेड है। ये बात और ये कॉन्सेप्ट आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। तो कई बार कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों सब्जेक्ट में इंटर रिलेट होते हैं और या फिर इंटरचेंज भी होते हैं। मैंग्रोव वन आपके तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं कि सब वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहते हैं। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये। मतलब मिट्टी की जो कटाई हो जाती है ना उसको बहुत ही रोकते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, मछलियों को ये आश्रय देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस तरीके से अगर बात करें तो आंसर सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि सामाजिक वनिकी में शामिल किया जाता है, ऑप्शन है शहरी वनिकी, बी ग्राम, सेकंड ग्रामीण वनिकी, थर्ड मरुस्थली वनिकी या फोर फार्म वनिकी। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और फोर, सी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड या डी केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चले हम अगर बात करते हैं तो सामाजिक वनिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण से है। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा आपका, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, थर्ड आपका मरुस्थली वनिकी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? यह है ऑप्शन ए सुंदरवन जीव मंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। सेकेंड है सुंदरवन जीव मंडल नीचे निश्चय या नीचे में, इसको नीचे भी बोलते हैं, में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आंसर की बात करें तो सुंदरवन जीव मंडल निचय में आपके या नीचे में पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन आपका रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। स्वयं को यहाँ के लवड़ी और ताजा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। भौंकने वाले मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरवन का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। और शेर जैसी पूछ वाले बंदर नीलगिरी जीव मंडल निश्चय में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब यह एक संकटापन्न प्राणी है। तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित विशेषताएं। ऑप्शन ए सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी है। सेकंड, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगर हम बात करें तो उपरोक्त दोनों ही कथन सत्य है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस होता है। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हिमालयी अपवाद तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट वी आकार की घाटियां, सेकंड छिप्रिकाएं, थर्ड आपका संतल घाटी, ठीक है थर्ड आपकी संतल घाटी एंड फोर गुम्फित वाहिकाएं। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो हिमालयी अपवाद तंत्र में मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। ये नदियां गहरे महाखंड यानी गॉर्ज से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं व जलप्रपात बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षिपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियां, गोखूर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते थे। इस तरीके से डी आंसर सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सारी चीजों का ये निर्माण करती हैं। ठीक है, आई होप कि चीजें समझ में आ गई। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट कह रहे कि सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। सेकंड, जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो सिंधु की सहायक नदी व्यास रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में हरके के पास सतलज नदी में जा मिलती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर केवल सही है, सेकेंड आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसका भी कारण जान लीजिए कि झेलम नदी पर वूलर झील अवस्थित है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि डल झील, झेलम नदी पर वूलर झील अवस्थित तथा यह नदी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिलती है। तो डल झील नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां? ऑप्शन ए रांगो सांगपो, सेकंड दिबांग, थर्ड लोहित, फोर्थ मानस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वैसे भी मुझे याद थी, मतलब याद है, जब भी अगर वो लेफ्ट और राइट नहीं पूछता है तो आप आराम से याद कर लो, सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, रांगो सांगपो, लोहित, कामेग आदि। ठीक है, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, सात सहायक नदियां इस तरीके से। अगर लेफ्ट राइट की बात करता तब थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, अदरवाइज सभी आपके सही हैं, यानी कि ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें नाम भी नहीं दिए हैं, धनसिरी, ठीक है, धनसिरी, सुबनसिरी, वो भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट, अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। सेकंड कह रहे हैं कि यहाँ की नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। थर्ड, यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त तो या नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए या कूट दिए गए, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो अरुणाचल पर्वत भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण में तेजी से बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गॉर्ज बनाती है। तो इस तरीके से देखिए तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही अपने आप में सही ऑप्शन है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए, यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। सेकंड, इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। थर्ड, दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर हम बात करें तो भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन है कि ये आपके तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर बात करें कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी इसी क्षेत्र में स्थित है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल? ऑप्शन है अन्नामलाई, बी नील, सेकंड नीलगिरी, एंड थर्ड आपका कार्डमम। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए दक्कन पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां आपकी सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम जिसे हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, जबकि पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियां जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चले आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब ये चीज़ याद रखना है अच्छे से, इन्होंने क्या किया कि शामिल जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों ऑप्शन, वो पश्चिमी घाट के बारे में, लेकिन आंसर में उन्होंने पूर्वी घाट के बारे में भी बता दिया। तो आप अगर उसको नोट डाउन कर लोगे, लिख लोगे, तो अगर अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्वी पहाड़ियाँ और पश्चिमी में डिफरेंस, तो आप बता ले जाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सेकंड, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। थर्ड, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। देखिए बात करें कि चावल के लिए डेल्टाई भूमि आदर्श मानी जाती है। चावल उष्ण आर्द्र कटिबंध की उपज है। इसके लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। काटते समय विशेष रूप से तापमान काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। चावल की कृषि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए। इसके लिए 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा अच्छी मानी जाती है। इसकी सफलता मानसून पर निर्भर करती है। जिस भागों में वर्षा कम होती है वह कृत्रिम सिंचाई का सहारा लिया जाता है। चीन विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन, मतलब चावल उत्पादन करने वाला देश है। चीन में 90% से अधिक चावल का क्षेत्र सिंचित है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। क्योंकि भारत विश्व में चावल का पहला उत्पादक देश नहीं है, सबसे बड़ा चीन है, फिर भारत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालू से निर्मित है। अतः इस क्षेत्र को किस मृदा खंड के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन है तराई, बी भाबर, सी मैदानी, या डी बांगर। बात करेंगे यहाँ पर हम, देखिए ऐसे क्षेत्र आपके भाबर मृदा खंड के अंतर्गत आ जाएंगे और ये शिवालिक पर्वत का गिरिपात क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाबर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, चले हम विचार कर लेते हैं कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। सेकेंड, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। इन्होंने कह दिया कि 70 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ये तुरंत यहाँ पर कट मार दो, है ना, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑप्शन ए केवल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो जो विचार करना था तो विचार यही निकला अंतोगत्व कि पहला ऑप्शन आपका सही है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन, महुआ, सागौन और बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी आर्द्र पर्णपाती वन, या डी शुष्क पर्णपाती वन। याद रखना चंदन, महुआ, अब इधर उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके में या क्षेत्रों में महुआ खूब होता है ना, सागौन भी होता है, बांस का मान सकते कहीं कहीं नहीं होते हैं, ये आपने देखे हुए, तो आइडिया भी लगाओगे, गेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन में आएंगे। अब क्योंकि मैंने बोल दिया कि आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कैसे हो, तो शुष्क पर्णपाती भी हो सकते क्योंकि पत्तियां तो गिराते ही हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्यों नहीं हो सकते। तो देखिए उसका कारण है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसून वन विशेषता 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले स्थान पर प्राप्त होते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय। तो ये तो यहाँ पर खत्म हो गए, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन की बात अगर करें तो विशेषता ये 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। और स्थान की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये प्राप्त होते, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ओडिशा, हिमालय के गिरिपाद और उत्तर पूर्वी राज्यों में। अब क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इधर नॉर्थ, मतलब उत्तर का कोई, उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र आसपास का आया ही नहीं, तो जिसको गिरिपात बोलते हो ना, हिमालय के गिरिपात, वो आपका इधर ही आ जाता है। जैसे लखीमपुर खीरी को अभी उस क्वेश्चन में बताया ही है। तो ये जो क्षेत्र आते हैं ये गिरिपात के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होते हैं। सेकंड, इन निक्षेपों में सोना, चांदी व प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं पाई जाती हैं। तो करें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें
तो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट जलोढ़ मृदा, सेकंड काली मृदा, थर्ड मरुस्थलीय मृदा एंड फोर्थ लाल मृदा। तो कह रहे हैं कि जो ये मृदा है इनके घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। घटते क्रम में सबसे पहले कहीं पर भी आएगी तो जलोढ़ मृदा आपकी पहले आ जाएगी। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा आ जाएगी, इसके बाद में आपकी लाल मृदा आ जाएगी। जलोढ़ मृदा का जो भाग है उसका 43.36% के आसपास है। ठीक है, और इसके बाद में आपकी लाल मृदा का 18 पॉइंट समथिंग है, 49 मतलब कि 19 पॉइंट के आसपास। फिर आएगी आपकी काली मृदा, फिर आएगी पर्वतीय मृदा, फिर आएगी लाल एवं काली, और फिर आएगी मरुस्थली मृदा। तो इस तरीके से आप देख लो, जलोढ़ मृदा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, फिर आपकी आएगी लाल मृदा, तो फर्स्ट के बाद में आ जाएगा फोर। इस तरीके से देखोगे, देखो पहले आएगी जलोढ़ मृदा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सब जगह दिया गया है। फिर आएगी आपकी लाल मृदा, ठीक है, तो फिर फोर ऑप्शन दो ऑप्शन में ही है, फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन। सोचिए कितनी डिफिकल्टी होती है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी। तो चलो बात ही छोड़ो, मैं बोलती भी नहीं हूँ इसके बावजूद, है ना। तो बहुत टाइम चला जाता है, कई बार लगता भी है कि कितना टाइम किल हो रहा है, बट कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मृदा के निम्न कणों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट क्ले, सेकेंड ग्रेवल, थर्ड आपका बालू एंड फोर आपका है गाद। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मृदा संरचना के आधार पर मृदा का सबसे बड़ा भाग आपका ग्रेवल होता है। ग्रेवल आपका सेकेंड ऑप्शन में आ गया, है ना। फिर आपका बालू आएगा, तो थर्ड, अब सेकेंड थर्ड क्योंकि सेकेंड इसमें भी है और थर्ड भी है। देखिए ऐसे कई बार क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। फिर आएगी गाद और सबसे अंतिम में आपका आएगा सबसे छोटा क्ले। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है हरियाणा एवं राजस्थान, बी हरियाणा एवं गुजरात, सी गुजरात एवं मध्य प्रदेश, या डी गुजरात एवं राजस्थान। तो बात करें तो आपकी भूसर एवं भूरी मृदा गुजरात एवं राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं वो बताना। ऑप्शन है हजारीबाग, अम्बरक, बी हट्टी, स्वर्ण, सी जादूगौड़ा, यूरेनियम एंड डी जावर तांबा। तो हमें बताना कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तांबा का उत्पादन आपका राजस्थान में, राजस्थान के जावर में न होकर झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर तथा उदयपुर जिलों में होता है, जबकि जावर की खाने आपकी शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है कि ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट ओडिशा मैगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, सेकंड कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है कूट की सहायता से। ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, डी ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो देखिए ओडिशा मैगनीज की शीर्ष भंडारण राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश मैग्नीज का शीर्ष उत्पादन राज्य है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ना तो पहला ही सही है और ना ही दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कर्नाटक का आपको पता ही है कि अगर आप लौह अयस्क उत्पादन के राज्यों के बारे में बात करेंगे तो आपका घटते क्रम में ओडिशा में ज्यादा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक आएगा, फिर गोवा आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रमुख उत्पादक राज्य, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में निम्न राज्यों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़, सेकेंड है आपका गोवा, थर्ड है कर्नाटक एंड फोर्थ है ओडिशा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है 3-4-1-2, बी 3-4-2-1, सी 4-3-2-1 या डी 4-1-3-2। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन के संबंध में क्रमशः राज्य जो आपके हैं घटते क्रम में, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए, तो ओडिशा आपका आ जाएगा पहले, तो फोर, इसके बाद में आ जाएगा छत्तीसगढ़, तो ओडिशा आपका हो गया, फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आपका आपका आ जाएगा कर्नाटक, और फिर आ जाएगा गोवा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि लौह अयस्क के निम्न प्रकारों में लौह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट हेमेटाइट, सेकंड लिमोनाइट, थर्ड है आपका मैग्नेटाइट एंड फोर है आपका सीडेराइट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर सेकेंड, बी फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर, सी थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर एंड डी थर्ड फर्स्ट फोर सेकेंड। बात करें अगर यहाँ पर हम देखिए देखिए बात करें तो हेमेटाइट आपका पहले आएगा, फिर मैग्नेटाइट, फिर लियोनाइट एंड डी, फिर आएगा सीडेराइट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अनुभ्रक के भंडार कहाँ है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या डी राजस्थान। अगर बात करें कि सबसे अधिक अनुभ्रक आपके भंडार आपके कहाँ है तो वो आपके यहाँ पर दिया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक या डी मध्य प्रदेश। बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि यदि इसे पूरे भारतीय राज्य के स्तर पर देखें तो मिजोरम का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में। ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी हिमालय क्षेत्र, सी प्रायद्वीपीय पठार या डी पश्चिमी घाट। बात करें अगर यहाँ पर हम तो भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत प्रायद्वीपीय पठार में है, क्योंकि यह क्षेत्र उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने के कारण यहाँ वनों का विस्तार बहुत अधिक है, जबकि पश्चिमी घाट एवं हिमालय क्षेत्र में निश्चित स्थान विशेषता की वनों का विस्तार है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोयला खदान में कोकिंग कोयले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है। ऑप्शन है बैलाडीला, बी झरिया, सी रानीगंज या डी सिंगरौली। अब यहाँ पर अच्छी किस्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो बिटुमिनस कोयले का उपयोग करके कोकिंग कोल बनाया जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः लौह एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र से 90% कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका झरिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। देखिए अगर बात करें कि किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं तो ये आपके झारखंड राज्य में देश के कुल कोयले भंडार का 29% भाग पाया जाता है तथा कोयले के भंडार के मामले में पहला स्थान है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट तृतीय कोयला भंडार का निर्माण इयोसीन काल में अस्तित्व में आया। सेकंड तृतीय कोयला भंडार असम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। तो कह रहे ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, डी ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखते हैं तृतीय कोयला भंडार आपका तृतीय युग के अधिनूतन ओलिगोसीन युग के शैली में पाया जाता है। यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है क्योंकि यह कोयला 50 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है और इस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह कोयला भारत के कुल उत्पादन का मात्र 2% पाया जाता है। यह एक निम्न कोटि का कोयला है और इस कोयले को लिग्नाइट कोयला भी कहा जाता है। ठीक है तो यह कोयला का भंडार की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात के कच्छ, केरल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभी यहाँ पर सत्य नहीं है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कच्चा तेल कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है, बी कच्चा तेल उस स्थान में मिलता है जहाँ इसका निर्माण होता है, सी कच्चे तेल के साथ गैसें भी होती हैं, एंड डी ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो कच्चा तेल कायांतरी चट्टानों में नहीं बल्कि अवसादी चट्टानों अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी गोदावरी एवं कृष्णा बेसिन या डी बाड़मेर राजस्थान। अब कच्चे तेल के बारे में बात हो रही तो थोड़ा सा आइडिया आप ज्योग्राफिकल लगा सकते हैं। बाड़मेर राजस्थान कच्चे तेल का सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र है अपतटीय क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन है बॉम्बे हाई, बी खंभात की खाड़ी, सी गोदावरी एवं कृष्णा बेसिन या डी बाड़मेर राजस्थान। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था वो आपने देखा था, दो ऑप्शन में दिया था। तो बॉम्बे हाई में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट
विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। सेकेंड, तुलनात्मक रूप से विद्युत ऊर्जा एवं सस्ता, प्रदूषण रहित एवं नवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकेंड सही है, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, डी ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड सही है। आंसर की बात करें तो विद्युत प्रदूषण रहित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह जल, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु खनिज से उत्पादित की जाती है। विद्युत तुलनात्मक रूप से सस्ता, परिवहनीय तथा प्रदूषण रहित होता है। इसे नवीकृत भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। आई होप आंसर समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए धुआराम गुजरात, बी कहलगांव बिहार, सी मैंगलुरु आंध्र प्रदेश, या डी ऊंचाहर पश्चिम बंगाल। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आर ओ में आया था। ऑब्वियसली कि एकदम सेम नहीं आते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते, कुछ चीज़ें तो वो बदल ही देते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बात करें ऊंचाहर थर्मल पावर स्टेशन, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही सुमेलित नहीं है। बाकी धुआराम गुजरात, कहलगांव या इसी तरीके का कोई नाम आया था, बिहार, मैंगलुरु आपका आंध्र प्रदेश, तो तीनों सही हैं। फोर डी में ये आपका पश्चिम बंगाल में ना होकर के ये उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी के रायबरेली में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बागड़ी चुटका छत्तीसगढ़, बी कवाड़ा आंध्र प्रदेश, सी कुमरिया हरियाणा, एंड डी मीठी बिरदी गुजरात। आंसर की बात करें तो आपका जो बागड़ी चुटका है वो नाभिकीय संयंत्र भारत का एक प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है। चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, बट फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो ऑप्शन ए सही है, चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश है, लेकिन चावल उत्पादन के क्षेत्र के मामले में अगर बात करें तो भारत सबसे आगे है। देखिए क्षेत्र भारत में ज्यादा है, लेकिन उत्पादन की जो मात्रा है वो चीन में ज्यादा है। तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है, अन्य गलत है, ठीक है।